सबको मेरा नमस्ते आ, ये सेशन में मैं आपको पोटेशियम के बारे में बताने वाली हूँ पोटेशियम एक प्रकार दो का पोषक तत्व पोषण तत्व है आ, हमारे जो आ, आ, मसल्स है हमारा जो मांस है आ, उसके लिए आ, बहुत ही तो महत्वपूर्ण है दूसरा जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट करता है यू नो फॉर दैट आल्सो पोटैशियम लेना बहुत जरूरी है खाने से लेना जरूरी है जो लोग ज़्यादा पोटैशियम वाला खाना खाता है खाना खाते हैं और आ, सोडियम वाला कम खाते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की मात्रा आ, कम होती है तो आपको जो बाहर के जो खाने आपको जो चिप्स है जो बाहर के जो जंक फूड है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आ, सोडियम मतलब सॉल्ट और नमक और पोटैशियम की मात्रा बहुत कम होती है तो आपको ध्यान में रखना है कि जंक वाला खाना मत खाइए बाहर का जो कचड़ा है मत खाना आपको नहीं खाना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोटेशियम युक्त खाना खाना है कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को जुलाब होता है एडल्ट्स को जुलाब होता है तो जुले जुलाब में पोटेशियम बहुत जाता है अपने जुलाब से ठीक है तो जब भी पोटेशियम बहुत जाता है जुलाब से तो हम लोग को बहुत वीकनेस फील होता है हम लोग को बहुत थकान महसूस होती है बहुत गेट टायर्ड तो तभी वो टाइम में आपको बच्चे को पोटेशियम वाला खाना ज़्यादा देना है आपको भी पोटेशियम युक्त खाना जब भी खाएंगे तो आपको वो वीकनेस यू विल नॉट फील और आपको तुरंत ही वो यू विल गेट एनर्जी ठीक है uh, दूसरा वो ब्लड uh, प्रेशर के लिए भी अब जैसे मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है uh, कौन से कौन से खाने में आपको पोटेशियम uh, मिलेगा आ, सारे जो वेज फूड है अंकुरित खाना है आ, हरी भाजिया है यू नो पालक है मेथी है आ, जो सहजन के पत्ते हैं वहाँ आ, वो सारे खानों में पोटेशियम की मात्रा होती है आ, आपको आ, केले में से भी थोड़ा मिलेगा पोटेशियम इतना नहीं है लेकिन Uh, केले से भी मिल सकता है uh, जो शिमला uh, मिर्च है शिमला मिर्च में भी आपको पोटाशियम मिलेगा तो आपको ऐसा खाना खाना है जो ज़्यादा स्वीट uh, uh, ना हो यू नो ज़्यादा मीठा ना हो ठीक है तो जब भी मीठा आप कम खाएंगे तो वो इंसुलिन की मात्रा जो हमारा जो हार्मोन है uh, उसकी मात्रा स्टेबल uh, रहेगी वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है इंसुलिन हॉर्मोन क्या है ठीक है तो ध्यान में रहे कि आपको बच्चों को भी पोटेशियम खाना देना है और आपको भी खाना है ठीक है धन्यवाद। के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम के फायदे इसकी कमी के कारण हर रोज पोटेशियम लेने की मात्रा खाने के स्रोत पोटेशियम दूसरे प्रकार का पोषक तत्व है यह कोशिकाओं के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है यह जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है पोटेशियम का सबसे जरूरी काम कोशिका के अंदर के द्रव के सामान्य स्तर को बनाए रखना है जबकि सोडियम कोशिकाओं के बाहर के द्रव के स्तर को बनाए रखता है पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है और सामान्य रक्तचाप में सहयोग देता है यह मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सभी कामों को सुनिश्चित करता है यह प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी अब हम रक्तचाप पर शुगर और सोडियम का असर देखेंगे ज्यादा मीठा और नमक वाला खाना खाने से हमारे शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है शुगर गुर्दों से शरीर में सोडियम का सूखा जाना बढ़ाती है फिर सोडियम शरीर में रह जाता है इससे रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर में पानी भी इस वजह से हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है इसीलिए मीठा ना खाने की सलाह दी जाती है और पोटेशियम को ज्यादा लेने की सलाह दी जाती है पोटेशियम नसों को आराम देता है और जरूरत से ज्यादा सोडियम को निकालता है जिससे रक्तचाप कम हो जाता है याद रखें कि हमारे शरीर को हर रोज सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है इस ट्यूटोरियल में रोज के पोटेशियम के खुराक की मात्रा पर मैं बाद में बात करूंगी ऐसे कई कारक हैं जो पोटेशियम की कमी को बढ़ाते हैं जिस खाने में पोटेशियम कम हो वो उनमें से एक कारक है कुछ दवाइयों की वजह से भी शरीर में से ज्यादा पोटेशियम निकल जाता है यह भी पोटेशियम की कमी का कारण बनता है बार बार उल्टी और दस्त से भी यह कम हो जाता है ऐसे में शरीर में से पोटेशियम के साथ साथ क्लोराइड और सोडियम भी कम हो जाते हैं मैग्नीशियम कम होने पर भी पोटेशियम की कमी होती है गुर्दों को मैग्नीशियम की जरूरत होती है पोटेशियम को दोबारा सोखने के लिए यह कोशिकाओं में पोटैशियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है जिनको पाइका होता है उन्हें भी पोटेशियम की कमी का खतरा होता है पाइका मिट्टी या चिकनी मिट्टी, मिट्टी पोटेशियम से बंधती है और शरीर में से उसके निकलने को बढ़ाती है फिर शरीर में इस खनिज की कमी होती है आंत में सूजन पोटेशियम के सोखे जाने को कम कर सकती है यह कारक पोटेशियम की कमी का कारण भी बनता है। कम लेने से गुर्दों में कैल्शियम दोबारा से ठीक से नहीं सोखा जाता जिससे पेशाब में कैल्शियम का निकलना बढ़ जाता है और गुर्दों में पथरी बन जाती है इसकी कमी की सबसे पहली पहचान थकान मांसपेशियों में कमजोरी और ऐठन है दिल की धड़कन तेज या कम होना इसका एक और उदाहरण है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक से ना होने पर पोटैशियम की कमी होती है एकदम से पोटैशियम की कमी होने पर शुगर बढ़ सकती है इसकी कमी से शरीर का विकास रुकता है और ग्रोथ हार्मोन के स्तर में भी कमी आती है ग्रोथ हार्मोन नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है और उनके वृद्धि में भी ज्यादा कमी से उच्च रक्तचाप और मानसिक भ्रम हो सकता है। बढ़ा हुआ रक्तचाप दिल की बीमारी और आघात के खास कारणों में से एक है पोटेशियम की कमी की तरह इसका ज्यादा होना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है खून में पोटेशियम का ज्यादा होना भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है ऐसी काफी चीजें हैं जो खून में पोटेशियम को बढ़ाने का कारण बनते हैं गुर्दों की बीमारी की कुछ दवाएं भी इसका एक कारण है पोटेशियम आधारित नमक के विकल्प का इस्तेमाल करने से भी रक्त में पोटेशियम बढ़ता है मौजूदा गुर्दों की बीमारी होते हुए ज्यादा पोटेशियम वाला खाना भी नुकसान दे सकता है ट्यूटोरियल के बाद के भाग में मैं पोटेशियम के खाद्य स्रोतों की बात करूंगी। शरीर में पोटेशियम के बढ़ने के संकेत हैं कमजोरी और थकान मतली उल्टी सांस लेने में दिक्कत होना और सीने में दर्द होना बाकी के पहचान है अलग अलग उम्र के लोगों के लिए पोटेशियम के खुराक की मात्रा अलग होती है एक से तीन साल के शिशुओं को रोज एक हजार एक सौ मिलीग्राम की जरूरत होती है चार से छह साल के बच्चों को रोज लगभग एक हजार सौ पचास मिलीग्राम की जरूरत होती है पुरुषों के लिए रोज की मात्रा तीन हजार सात सौ पचास मिलीग्राम है महिलाओं के लिए रोज लगभग तीन हजार दो सौ पच्चीस मिलीग्राम है अब मैं आपको पोटेशियम से भरे खाने के स्रोतों के बारे में बताऊंगी यह प्राकृतिक रूप से पौधों वाले खाद्य पदार्थ में मौजूद होता है दालें फलियां, दाने बीज और मसालों में सबसे ज्यादा होता है सब्जियों फलों अनाज और दूध में भी पोटेशियम होता है तीस ग्राम कच्चे हरे चने में लगभग तीन सौ तिरपन मिलीग्राम पोटेशियम होता है तीस ग्राम कच्चे सोयाबीन में लगभग चार सौ नब्बे मिलीग्राम होता है तीस ग्राम कच्ची अरहर की दाल में लगभग चार सौ उन्नीस मिलीग्राम होता है तीस ग्राम उड़द की दाल में लगभग तीन सौ सैतालीस मिलीग्राम होता है बीस ग्राम बादाम में लगभग एक सौ चालीस मिलीग्राम होता है बीस ग्राम काजू में लगभग एक सौ सत्ताईस मिलीग्राम होता है दस ग्राम तिल में लगभग छियालीस मिलीग्राम होता है दस ग्राम सूरजमुखी के बीजों में लगभग छप्पन मिलीग्राम पोटेशियम होता है सौ ग्राम पालक में लगभग 625 सौ पच्चीस मिलीग्राम पोटेशियम होता है सौ ग्राम चोलाई के पत्तों में लगभग पाँच सौ बहत्तर मिलीग्राम होता है सौ ग्राम संतरे में लगभग एक सौ मिलीग्राम होता है सौ ग्राम अमरूद में लगभग दो तिरासी मिलीग्राम पोटेशियम होता है 250 मिलीलीटर दूध में लगभग 260 मिलीग्राम पोटेशियम होता है इसी तरह कुछ मसालों में पोटेशियम काफी ज्यादा होता है 5 ग्राम हल्दी पाउडर में लगभग 118 मिलीग्राम होता है 5 ग्राम मेथी के दानों में लगभग छियालीस मिलीग्राम होता है पाँच ग्राम लाल मिर्च पाउडर में लगभग एक सौ बारह होता है ग्राम काली मिर्च के बीजों में लगभग चौहत्तर मिलीग्राम होता है पांच ग्राम धनिया के बीज में लगभग चौहत्तर मिलीग्राम होता है अच्छे स्वास्थ्य और सेहत के लिए इन पोटेशियम से भरपूर खाने की चीजों को रोजाना जरूर लें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद पोटेशियम से भरपूर शाकाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पोटेशियम के लाभ पोटैशियम से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके पोटैशियम एक आवश्यक खनिज है यह कोशिकाओं के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है यह दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है पोटैशियम मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के उचित कार्य को सुनिश्चित करता है पोटैशियम के महत्व को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब कुछ शाकाहारी खाना बनाना सीखते हैं। पहला कच्चा केला काली मिर्च फ्राई है इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम कच्चा केला आधा मध्यम कटा हुआ टमाटर आधा मध्यम कटा हुआ प्याज एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट एक पूरी लाल मिर्च एक मुट्ठी धुली धनिया की पत्तिया आपको यह भी चाहिए एक छोटा चम्मच सरसों यानी राई, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच तेल या घी बनाने का तरीका कच्चे केले को धोए और छीले और उसके टुकड़े करें। टुकड़ों को प्लेट में रखें। स्टीमर में एक गिलास पानी डालें। प्लेट को स्टीमर पर रखें और 12 से 15 मिनट तक भाप में पकाएं। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप प्रेशर कुकर का उपयोग कर सकते हैं प्रेशर कुकर में एक गिलास पानी डालें। प्लेट को रखने के लिए कुकर के अंदर एक छोटा स्टैंड रखें। अब प्रेशर कुकर में प्लेट पर कच्चे केले के टुकड़े के रखें। बिना सीटी के उन्हें 15 से 20 मिनट तक पकाएं। कुकर खोले और इसे ठंडा होने दें। उन्हें बाद के उपयोग के लिए रख दें। पैन में तेल या घी गर्म करें और सरसों डालें। सरसों के भून जाने के बाद प्याज और अदरक का पेस्ट डालें। प्याज सुनहरा भूरा होने तक भुने टमाटर और लाल मिर्च डाले मुलायम होने तक टमाटर को पकाएं। इसमें सभी मसाले और नमक डाले और इसे दो मिनट तक भुने तीन बड़े चम्मच पानी डाले और एक मिनट तक पकाएं। इसमें भाप में पके हुए कच्चे केले डाले और अच्छे से मिलाएं। ढक्कन से ढके और पांच मिनट तक पकाए आखिर में धनिया की कटी पत्तियां डालें। कच्चा केला काली मिर्च फ्राई तैयार है आधा कटोरे कच्चा केला काली मिर्च फ्राई में लगभग 844 मिलीग्राम पोटेशियम होता है अगला हम देखेंगे दाल के सूखे पकौड़ों की करी इसे बनाने के लिए आपको चाहिए तीस ग्राम उड़द दाल एक मध्यम कटा हुआ टमाटर एक मध्यम कटा हुआ प्याज आपको यह भी चाहिए एक हरी मिर्च चार से पांच धुले करी पत्ते अदरक का एक छोटा टुकड़ा एक मुट्ठी धनिया की धुली पत्तियां अन्य आवश्यक सामग्री है एक छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच अजवाइन आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच काली मिर्च स्वाद अनुसार नमक दो छोटा चम्मच तेल या घी बनाने का तरीका उड़द को धोए और रात भर भिगो दे सुबह सारा पानी निकाल लें उड़द काली मिर्च अजवाइन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाते समय पानी न डालें। देखें कि पेस्ट मुलायम बना हो इस पेस्ट को कटोरे में निकालें। नरम होने तक पेस्ट को चम्मच या हाथ का उपयोग करके मिलाएं। साफ उंगली से प्लेट पर तेल लगाएं। फिर पेस्ट के छोटे गोले बनाए और उन्हें प्लेट पर रखे उनके कड़क होने तक दो से तीन दिन तक उन्हें धूप में सुखाए। धूप में सुखाते समय उन्हें कपड़े ढक कर रखे यदि आप उन्हें धूप में नहीं सुखा सकते हैं तो आप उन्हें कमरे के अंदर हवा में भी सुखा सकते हैं इन पकौड़ों को दिन में दो बार पलटते रहे ताकि यह सूख जाए पकौड़े सूख जाने के बाद एक पैन में एक छोटा चम्मच तेल या घी गर्म करें। भूरा होने तक उन्हें फ्राई करें। अब उन्हें अलग रखें। हम इनका उपयोग बाद में करेंगे करी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करें। सरसों और करी पत्ता डालें। उनके भून जाने के बाद प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भुने इसमें टमाटर डालें और मुलायम होने तक पकाएं। मसाले नमक और तले पकौड़े डालें और अच्छे से मिलाएं। इसमें आधा कप पानी डालें और ढक दे पांच मिनट या पकौड़ों के मुलायम होने तक पकाएं। आखिर में धनिया की कटी पत्तियां डाले दाल के सूखे पकोड़ों की करी तैयार है आधा कटोरा करी में लगभग नौ मिलीग्राम पोटैशियम होता है तीसरा है मेथी दाना करी इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दो बड़े चम्मच अंकुरित मेथी आधा कप धुला और कटा पालक दो बड़े चम्मच ताजा कद्दूकस किया नारियल एक छोटा कटा टमाटर एक छोटा कटा प्याज एक हरी मिर्च चार से पांच लहसुन की कली आपको यह भी चाहिए एक छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच सरसों एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच तेल या घी आधे नींबू का रस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अंकुरन कैसे करे दो बड़े चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोए सुबह इनको छाने और साफ मलमल के कपड़े में बांध दे अंकुरित होने के लिए उन्हें एक दिन गर्म जगह पर रखे अंकुरित होने पर इसे बाद के उपयोग के लिए रख दे पैन में तेल या घी गर्म करे और जीरा और सरसों डाले उनके भून जाने के बाद अदरक हरी मिर्च और प्याज डालें। अदरक और प्याज को हल्का भूरे होने तक भुने टमाटर डाले और मुलायम होने तक पकाए इसमें मेथी दाना डाले और दो से तीन मिनट तक भुने पालक डाले और इसके सिकुड़ने तक पकाए इसमें दो से तीन मिनट लग सकते हैं अब मसाले नमक और आधा कप पानी डाले अच्छे से मिलाए और ढक्कन से ढक दे और अंकुर मुलायम होने तक पकाए आखिरी में कद्दूकस किया नारियल डाले और इसे मिलाए परोसने के बाद नींबू का रस निचोड़े मेथी दाना करी तैयार है आधा कटोरे करी में लगभग 801 मिलीग्राम पोटेशियम होता है आखिरी रेसिपी है चौलाई के पत्ते और अंकुरित मूंग फ्राई इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप धुले और कटे चौलाई के पत्ते तीन बड़े चम्मच अंकुरित मूंग आधा मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर पांच लहसुन की कली आपको इसकी भी आवश्यकता होगी एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच सरसों स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच तेल या घी इस ट्यूटोरियल के पहले भाग में अंकुरण का तरीका समझाया गया है कृपया मूंग को अंकुरित करने के लिए वही तरीका अपनाएं, ध्यान दें। कि विभिन्न सामग्रियों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है शुरू करते हैं पैन में तेल या घी गर्म करें और सरसों और जीरा डालें। उनके भून जाने पर प्याज हरी मिर्च और अदरक डालें। हल्के भूरे होने तक उन्हें भूने इसमें बारीक कटे हुए चौलाई के पत्ते डालें और अच्छे से मिलाएं इसे चार से पांच मिनट तक पकाए और फिर अंकुरित मूंग और मसाले डाले अच्छे से मिलाए और ढक्कन से ढक दे और अंकुर को मुलायम होने तक चौलाई के पत्ते और अंकुरित मूंग फ्राई तैयार है इसके आधे कटोरे में लगभग नौ मिलीग्राम पोटेशियम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज अपने आहार में इन पोटेशियम से भरपूर आहार को शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहा देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद पोटेशियम से भरपूर मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पोटैशियम के लाभ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके पोटैशियम एक जरूरी खनिज पदार्थ है यह कोशिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है यह दिल की धड़कन को और रक्तचाप को सही रखता है मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के समुचित काम के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है पोटेशियम की जरूरत को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब खाना बनाने की तैयारी देखते हैं पहला है अंडा डोसा इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दो अंडे दो बड़े चम्मच कंगनी एक बड़ा चम्मच बिना छिलके वाली उड़द दाल एक चम्मच मेथी दाना दो बड़े चम्मच कटा हुआ प्याज एक बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर आपको इसकी भी जरूरत होगी नमक स्वाद अनुसार एक छोटा चम्मच तेल तरीका कंगनी मेथी दाना और उड़द दाल को आठ घंटे के लिए भिगो दें. मिक्सर या ग्राइंडर में सभी चीजों को एक मुलायम घोल में पीस लें घोल को एक कटोरे में डालकर छह से आठ घंटों के लिए खमीर उठने के लिए गर्म जगह पर रख दें। घोल में खमीर उठने के बाद नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे एक तरफ रख दें हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे एक कटोरे में दो अंडे फोड़ें। इसमें नमक काली मिर्च पाउडर प्याज और टमाटर डालें सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, इसे बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दें। एक बर्तन में तेल गरम करें और डोसा वाला घोल डालें और समान रूप से फैलाएं। जब डोसा थोड़ा पक जाए तो डोसे पर अंडे का घोल डालें। डोसा पलटे और इसे दूसरी तरफ से भी पकाएं। अंडा डोसा तैयार है दो अंडे के डोसे में लगभग सात सौ इक्यावन मिलीग्राम पोटेशियम होता है अगला है तिल के बीज में लिपटी मछली मैं रोहू मछली का इस्तेमाल करूंगी आप कोई भी आसानी से मिलने वाली मछली ले सकते हैं जैसे कि हिल्सा और बांगड़ा ये मछलियां भी पोटेशियम से भरपूर हैं। चलिए शुरू करते हैं आपको जरूरत होगी सौ ग्राम धोया और साफ किया हुआ रोहू हु। एक बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन एक बड़ा चम्मच भुने हुए तिल एक चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आपको इनकी भी जरूरत होगी एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चम्मच अजवाइन एक मुट्ठी धनिया पत्ती स्वाद अनुसार नमक दो चम्मच तेल तरीका धुली और साफ की हुई मछली पर नमक और हल्दी लगाएं, इसे 20 मिनट के लिए अलग रख दें इस बीच एक कटोरे में बेसन लें इसमें अजवाइन नमक लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालें अब पिसा हुआ अदरक लहसुन और जीरा पाउडर डालें धनिया पाउडर और धनिया पत्ती भी डालें थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें इसके बाद मछली को पेस्ट में डुबोएं और फिर इसे तिल के बीज में फेर लें। एक बर्तन में तेल गरम करें और मछली को दोनों तरफ से पकने तक कम आंच पर पकाएं। तिल के बीज में लिपटी मछली तैयार है तली हुई मछली के दो छोटे टुकड़ों में लगभग आठ सौ पचासी मिलीग्राम पोटेशियम होता है तीसरा सीखेंगे चिकन कटलेट जिसे अंकुरित रागी के पाउडर के साथ तैयार किया गया है इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम या चार पीस बिना हड्डी का चिकन 30 ग्राम या दो बड़े चम्मच रागी पाउडर दो बड़े चम्मच हरी मटर दो बड़े चम्मच कटी हुई गाजर एक कटी हुई हरी मिर्च आपको जरूरत होगी एक छोटा चम्मच अजवाइन एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर चार से पांच कटे हुए कड़ी पत्ते एक मुट्ठी धुली हुई और कटी हुई धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक दो छोटे चम्मच तेल तरीका सबसे पहले हम रागी का पाउडर बनाएंगे रागी को धोकर रात भर के लिए भिगो दें। एक छलनी से छानकर पानी को निकाल दें इसे मलमल के कपड़े में बांध कर गर्म जगह पर अंकुरित होने के लिए रख दें। इसे अंकुरित होने में लगभग दो से तीन दिन लग सकते हैं एक बार रागी अंकुरित हो जाए इसे धूप में सुखा लें यदि पर्याप्त धूप नहीं है तो आप उन्हें बिना तेल के तवे पर भी भून सकते हैं ठंडा करें और इसे बारीक पाउडर बनाने के लिए पीसें एक बर्तन में चिकन हरे मटर और गाजर डालें एक गिलास पानी डालें और चिकन और सब्जियों के पकने तक पकाएं। इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे उन्हें ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इन्हें पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें इसे एक प्लेट में निकाल लें बाकी सामग्री घोल में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे दो भागों में बांट दें और उन्हें कटलेट का आकार दें। एक पैन में तेल गरम करें और कटलेट को दोनों तरफ से धीमी आंच पर पकने दें। अंकुरित रागी के पाउडर में बने चिकन कटलेट तैयार हैं। दो कटलेट में लगभग 706 मिलीग्राम पोटेशियम होता है आखिरी सीखेंगे पालक झींगा करी इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम झींगे एक मध्यम कटा हुआ टमाटर एक मध्यम कटा हुआ प्याज एक कप धुली हुई पालक एक चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर आपको इसकी जरूरत होगी एक चम्मच जीरा एक चम्मच राई चार से पांच कड़ी पत्ते एक हरी मिर्च एक चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ आपको एक चम्मच तेल की भी जरूरत होगी और नमक स्वाद अनुसार तरीका करी बनाने के लिए झींगे को साफ करके धोले झींगे के पीछे की तरफ एक चीरा लगाएं। इसमें से काला धागा बाहर निकालें। यदि यह काला धागा दूसरी तरफ दिखे तो वहां से भी हटाएं। साफ किए हुए झींगों पर नमक लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख दें। बर्तन में एक गिलास पानी उबालें। पानी में उबाल आने पर पालक डालें और एक मिनट के लिए पकाएं। पानी निकाल दें और पालक को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडा होने के बाद पालक को हरी मिर्च के साथ बारीक पीस लें। हम इस घोल को बाद में लेंगे एक बर्तन में तेल गरम करें राई जीरा और कड़ी पत्ता डालें। राई चटकने तक भूनें। इसमें प्याज डालें और हल्का भूरा होने तक भूने टमाटर डालें और उनके नरम होने तक पकाएं। सभी मसाले अदरक लहसुन पिसा हुआ और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। इसमें झींगे डालें और पाँच मिनट के लिए पकाएं। पहले बनाया हुआ पालक का घोल डालें और फिर से मिलाएं। ढक्कन से बंद करें और झींगा के पकने तक पकाएं। पालक झींगा करी तैयार है एक कटोरी पालक झींगा करी में लगभग नौ है। याद रखें कि एक कटोरी का माप डेढ़ सौ मिलीलीटर है इन खानों में एक चम्मच दाने और बीजों का पाउडर भी मिला सकते हैं खाना बनाते समय इसे अन्य मसालों के साथ मिलाएं। इसे डोसा की चटनी में भी डाला जा सकता है एक चम्मच दाने और बीजों का पाउडर लगभग 50 मिलीग्राम पोटेशियम देता है दाने और बीजों के पाउडर बनाना दूसरे ट्यूटोरियल में बताया गया है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन पौष्टिक खानों को अपने हर रोज के खाने में शामिल करें अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद